there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका बहुत सारे नामों से हम जानते हैं और इसके कौन कौन से नाम है वो सभी नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड यानी कि लैंड कार्ड, इसके अलावा इथरनेट कार्ड और इथरनेट एडॉप्टर, नेटवर्क एडॉप्टर और इथरनेट कंट्रोलर, नेटवर्क कंट्रोलर और इसके अलावा भी कनेक्शन कार्ड ETC, ये सभी चीजें जो है इन सभी के नाम से हम इसको जानते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क या कि इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट किया जा सकता। NIC को इथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर, लैन एडाप्टर या कि ब्रॉडबैंड कार्ड के रूप में भी इसे हम जानते हैं, ये सभी इसके नाम है। और ये नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर को इथरनेट केबल का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ केबल एक राउटर या कि हमारे मॉडेम से जुड़ा हुआ होता है जो कि आपके कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करती है। और ठीक इसके बाद लगभग सभी नए कंप्यूटर्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑटोमेटिक होते हैं जो कि सीधे तौर पर मदरबोर्ड से ये कनेक्ट रहते हैं जो कि नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं। अब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो अब इनके टाइप्स में देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के मुख्य मेनली इसमें टू टाइप्स होता है। अब वो कौन कौन से, एक हमारा होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड और दूसरा होता है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो सबसे पहले हम इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो हमारा है वो मदरबोर्ड में पहले से ही हमारा नेटवर्क कार्ड के लिए एक स्लॉट होता है जहां पर NIC को डाला जाता है। और NIC एक RJ45 पोर्ट का उपयोग करके इथरनेट केबल से ये जुड़ी हुई होती है सीधे। और ठीक इसके बाद एक्सटर्नल जो हमारा नेटवर्क कार्ड होता है, तो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड क्या है, तो देखिए, जिन डेस्कटॉप और लैपटॉप में यानी कि आंतरिक NIC नहीं होती है इंटरनल, वहां पर इंटरनेट के लिए एक्सटर्नल NIC का उपयोग किया जाता है। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक हमारा होता है वायरलेस और USB आधारित, दूसरा वायरलेस होता है। अब देखिए, नेटवर्क कार्ड को मदरबोर्ड में डालने की आवश्यकता होती है लेकिन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से एक नेटवर्क केबल की आवश्यकता बिल्कुल होती है और हम NIC के थ्रू ही हम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा NIC क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको NIC का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और अब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।